नमस्ते रेनु दीदी। नमस्ते सविता, आओ बैठो। कैसी हो सविता, कोई परेशानी तो नहीं? सब ठीक है रेनु दीदी, पर क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, ये सोचकर मन बेचैन हो जाता है। मैं तुम्हारे मन की सुलझन को समझ गई। ये पोस्टर देख रही हो? खतरे की घंटी मतलब? मतलब कि वह घंटी जो हमें खतरा आने से पहले ही संकेत दे, ताकि हम सावधान हो जाएं। थोड़ा समझा कर बताइए ना दीदी। अच्छा तो सुनो, पहला, अगर थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकावट महसूस हो, सांस फूलने लगे, धड़कन बहुत तेज हो जाए, पीठ या कमर में दर्द रहे और हथेली या आंखों का रंग फीका पड़ने लगे, तो समझो ये एनीमिया के लक्षण है, यानी कि शरीर में खून की कमी है। दूसरा, सर में तेज दर्द होना, आंखों के सामने धुंधलापन छा जाना, हाथ पैर और चेहरे पर सूजन, सीने या पेट में दर्द या बार बार उल्टी आना, ये सब प्रीक्लेम्सिया के लक्षण हैं, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होना। तीसरा, शरीर में कपकपाहट हो और सर्दी के साथ तेज बुखार हो जाए, योनि से बदबूदार मवाद जैसा निकलने लगे, तो यह किसी तरह के संक्रमण का संकेत हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चौथा, अगर योनि से रक्त स्राव हो रहा हो तो हो सकता है कि गर्भनाल की जन नलिका पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। पांचवा, पेट में एक तरफा भार महसूस होना या असमान उभार का मतलब ये हो सकता है कि गर्भ में जुड़वा शिशु है या शिशु की अवस्था सामान्य नहीं है। ऐसी अवस्था में बिना समय गवाए डॉक्टर से संपर्क करें। सविता, तुम्हें गर्भ में हलचल महसूस होती है? हाँ दीदी, लगता है बच्चा पैर मार रहा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कभी इस हलचल में कमी महसूस हो या हलचल बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो फौरन डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाओ, यह किसी गंभीर जटिलता के लक्षण हो सकते हैं। धन्यवाद रेनु दीदी, आपने बहुत ही जरूरी जानकारी दी, मैं इन सब लक्षणों का ध्यान रखूंगी। और हाँ, खाने पीने पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि सही पोषण तो स्वस्थ रहे हम। गर्भावस्था को लेकर हर महिला का अनुभव अलग तरीके का रहता है। गर्भावस्था के शुरुआती चरण में जोखिम भरे संकेत की पहचान माँ और शिशु की जिंदगी संवार सकती है। यदि कोई भी लक्षण महसूस हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मैडम से जांच कराना जरूरी है।